हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चले। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले गूगल का यहाँ पर ईमेल आईडी दोस्तों आपको रिकवर करनी है, जो कि आपकी ईमेल आईडी होती है दोस्तों। आप लोग अगर पासवर्ड उसका भूल गए हो या फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पता नहीं है कि यार किस तरह से रिकवर किया जाता है, तो दोस्तों काफ़ी ईजी वीडियो मैंने काफ़ी आसान तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है और आपका यहाँ पर प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगा, आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए सिंपल जो मैं तरीका बता रहा हूँ, काफ़ी हटके बता रहा हूँ, काफ़ी मतलब यूट्यूबर लोग ने वीडियो यहाँ पर अपलोड की है जीमेल अकाउंट किस तरह से रिकवर करना चाहिए, लेकिन सारों से मैं यहाँ पर नया तरीका लेके आया हूँ, हटकर यहाँ पर तरीका लेके आया हूँ, तो आपको भी ये काफ़ी ईजी गिरेगा और दोस्तों आपको समझ में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल दोस्तों पहले तो दोस्तों आपको मोबाइल के अंदर एक गूगल का ऐप होता है, सिंपल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, गूगल का एक ऐप होता है दोस्तों, सिंपल इस गूगल वाले ऐप के ऊपर हमें क्लिक करके रखना है। चलिए क्लिक करके रखना है, क्लिक करने पर दोस्तों ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा या फिर आई का लोगो आपको कॉर्नर में दिखाई देगा, तो सिंपल हमें आई के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। चलिए यहाँ से मैं आई के लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग गूगल के डायरेक्ट सेटिंग में चले जाएंगे, इस तरह से कुछ सेटिंग आपके सामने आएंगी। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन वाला ऑप्शन देखना है, तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको लोकेशन का ऑप्शन एक दिखाई देगा, तो आपको ऊपर नीचे कहीं पर भी दिखाई देगा, सिंपल दोस्तों इसे ओपन करके ले लेना है लोकेशन वाला ऑप्शन। तो सिंपल मैं इसे क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करके ले लेता हूँ, और दोस्तों सिंपल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अलाउ ऑल द टाइम, इसके ऊपर आपका क्लिक होना चाहिए। तो सिंपल दोस्तों आप लोग जब भी दोस्तों यहाँ पर गूगल अकाउंट रिकवर करते हो तो दोस्तों ये लोकेशन वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, इसका परमिशन अलाउ ऑल द टाइम्स पे रहना चाहिए, तो आपके इसमें अलाउ भी रहेगा सिंगल, तो आप लोग अलाउ कर देना। सिंपल दोस्तों अभी ये तो हमारी हो गई है, यहाँ पर एक सेटिंग मैं आपको बता दिया हूँ। अभी दोस्तों क्या करना है आपको, अभी दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल ओपन करके लेना है। चलिए यहाँ पर मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करना है दोस्तों, गूगल का जो हमें ब्राउज़र है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सर्च करके लेना है जीमेल रिकवर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ से मैं सर्च करता हूँ जीमेल रिकवर अकाउंट, तो चलिए यहाँ पर मैंने जीमेल रिकवर अकाउंट इस तरह से इंटर किया हूँ और इसे हमें सर्च करके लेना है। चलिए यहाँ पर मैं सर्च करके लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है जो लिंक है, तो सिंपल इस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस तरह से लिंक आपके सामने आ जाएंगी। देखिए ये पेज जैसे ही ओपन होगा दोस्तों इस तरह से कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। अभी दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें स्क्रॉल करना है नीचे के तरफ, नीचे के तरफ जाएंगे और देखिए एक ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पर हमें, रिकवर यूअर गूगल अकाउंट और जीमेल, तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। चलिए क्लिक करता हूँ मैं रिकवर यूअर गूगल अकाउंट और जीमेल, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा। अभी दोस्तों क्या करना है, देखिए दोस्तों सिंपल हमें क्या करना है, आपके पास मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर इंटर कर देना, ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी इंटर कर देना। दोस्तों मुझे यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी भी पता है, फ़ोन नंबर भी पता है, तो दोस्तों आपकी मर्जी है, जो भी आपको ईमेल आईडी इंटर करना है ईमेल आईडी इंटर करिए और मोबाइल नंबर इंटर करना है तो मोबाइल नंबर इंटर कर देना। तो चलिए मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी पता है मेरा, तो मैं मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ये वाला ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुका है, देखिए ये वाला ईमेल आईडी है। चलिए इसे पूरा मैं टाइप कर देता हूँ, पूरा टाइप करना है आपको भी, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर इंटर करके ले लेना, और सिंपल अभी क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है। अभी इस पोजिशन पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी पासवर्ड एक इंटर कर देना 6 डिजिट का। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करते, क्लिक करने पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 14 नंबर हमारे मोबाइल पे एक डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब तीन नंबर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर 15, 16, 14 इस तरह से कुछ नंबर आएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 14 बता रहा है और मोबाइल पे आपको क्या करना है, 14 नंबर पे क्लिक करना है। दोस्तों ये कंडीशन में आपको इसी मोबाइल में, अगर आपका ईमेल आईडी है तो मोबाइल से आपको नहीं करना है, आपको कंप्यूटर से करना है, या फिर आप लोग पीसी से कर सकते हो या फिर दूसरे मोबाइल से आप लोग कर सकते हो, तभी जाके इस मोबाइल में ये 14 नंबर टाइप करने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसी मोबाइल में ये ईमेल आईडी मेरा चल रहा था
जाएगा, तो आपको इसमें ये ट्राई नहीं करना है ऐसे पोजीशन में। तो दोस्तों ये 14 नंबर जो आ रहा है, तो आप लोग कहीं और किसी और का घर का मोबाइल ले लीजिए, उसके अंदर जैसी जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना है और उसके ऊपर ये 14 नंबर आएगा। और दोस्तों जिस मोबाइल में आप लोग ईमेल आईडी यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर इस तरह से कुछ नंबर आएगा, 14 और 3 नंबर आएंगे, मतलब उसके ऊपर आपको 14 पे क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा न्यू पासवर्ड का, तो न्यू पासवर्ड एंटर करके ले लेना है। तो दोस्तों ये तो बात हो चुकी है, यहाँ पर लोग काफ़ी यहाँ पर अटक जाते हैं, तो इसका मैं सोल्यूशन बताया हूँ। दूसरा मोबाइल लेके आप लोग ट्राई करना, और जो मैंने यहाँ पर गूगल में जाके सर्च किया था, जैसे स्टार्टिंग में आपने अगर पूरी वीडियो देखी रहेंगी तो मैंने आपको बता दिया हूँ। दोस्तों दूसरा तरीका है अभी इसे रिकवर करने का, सिंपल दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, जीमेल में आएंगे। देखिए यहाँ पर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जीमेल में आएंगे, ये तो ट्राई करना है आपको, अगर नई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कर लेना। तो जीमेल में आने के बाद दोस्तों हो सकता है कि आपका ईमेल आईडी कोई बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो आपको क्या करना है, कॉर्नर का जो लोगो है उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ट्राई जो ऑप्शन है नीचे ऐड अनदर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ये हमारा यहाँ पर मोबाइल का लॉक मांग रहा है, तो मैं फटाफट मोबाइल लॉक दे देता हूँ। और देखिए यहाँ पर चेकिंग इन्फो हो रहा है, अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी क्या करना है आपको, इंटर करना है या फिर फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी मुझे याद है, तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करके लेता हूँ। चलिए तो सिंपल यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है पासवर्ड इंटर कर लीजिए। हाँ यही मेरा यहाँ पर देखिए यही मेरा नाम था, आपको नाम ऊपर दिखाई दे रहा है जो ईमेल आपने बनाया था नाम से, यहाँ पर आप लोग देख रहे शेख पहला यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर हिना यहाँ पर लास्ट में नाम बता रहा है सेकंड वाला। तो नीचे आपको पासवर्ड इंटर करना है, अगर दोस्तों नहीं पता है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके लेना है। चलिए यहाँ से मैं फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए यूज़ यूअर फिंगरप्रिंट फेस और स्क्रीन लॉक, तो मोबाइल का लॉक मांगेगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से मैं ये क्या आ रहा है, नो पास की अवेलेबल देर आ जाए टू एनी पास की और google.com और दिस डिवाइस, तो चलिए यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करता हूँ दोस्तों, पास की यहाँ पर हमने दिया नहीं है, तो क्या करना है हमें ट्राई अनदर वे के ऊपर क्लिक करना है। चलिए यहाँ से मैं ट्राई अनदर वे के ऊपर क्लिक करूँगा, और वेट करते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अभी क्या ऑप्शन मांगेगा तो आप लोग देख लेते, चलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग वेट करते। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे आ चुका है अपडेट पासवर्ड, और देखिए कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ चुका है ऊपर, आप लोग देख रहे हैं यू कैन अपडेट योर पासवर्ड नाउ इफ़ यू फॉरगेट इट। तो यस, तो दोस्तों हमें क्या करना है, अपडेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। चलिए क्योंकि पासवर्ड इंटर करने बोल रहा है न्यू वाला, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर न्यू पासवर्ड इंटर करने बोल रहा है। तो दोस्तों आप लोग को भी इस तरह से ट्राई करना है जिस तरीके से मैंने बताया हूँ, और सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पासवर्ड के ऊपर अभी न्यू पासवर्ड देना है हमें दोस्तों हमें, तो चलिए न्यू पासवर्ड देता हूँ, और नीचे कन्फर्म सेम ऊपर नीचे सेम पासवर्ड दे देना है, तो मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पासवर्ड अपडेट कर दिया, और देखिए सेव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। चलिए सेव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता, और यहाँ से चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है हमें। चेंज पासवर्ड के ऊपर जैसे ही दोस्तों क्लिक किया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर पासवर्ड नहीं लिया है दोस्तों इसने, तो मुझे बोल रहा है काफ़ी अच्छा स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ कीजिए, तो कम से कम यहाँ पर 8 यहाँ पर मतलब यहाँ पर नाम वाला चाहिए, और आगे नंबर दे देना कुछ भी। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट मेरा पासवर्ड इंटर करके ले लेता हूँ, फिर से पासवर्ड डाल दिया हूँ, और सेव पासवर्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार। और चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये पासवर्ड मेरा आ गया है, ये पे देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ चुका है, ये डायरेक्ट गूगल में सेव होगा। तो चलिए यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, और आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। और सिंपल दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जीमेल आईडी यहाँ से रिकवर हो चुका है, नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए ये गूगल सर्विस ये देखिए यहाँ पर अभी मेरा ये डायरेक्ट ये पेज पे आ चुका है, ईमेल के पेज पे लेके आ चुका है मुझे। चलिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, और मेरा देखिए नीचे ये मेरा जो ईमेल आईडी है यही वाला मुझे रिकवर करना था, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यही वाला जो हम लोग रिकवर कर रहे थे ये फिर से यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपने जीमेल अकाउंट रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिए, और दो तरीके मैंने बताए यहाँ पर वीडियो के अंदर, तो दोनों तरीके आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों आपसे अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम की आईडी मुझे कमेंट में दे देना। चलिए दोस्तों मैं आपसे बात करके आपका रिकॉर्ड करने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए बाय।